इसराइल पर ईरान समर्थित सभी प्रॉक्सी गुट हमलावर हैं। हमास और हिजबुल्ला से तो इसराइल सीधा युद्ध लड़ रहा है, वहीं अन्य समूह जैसे यमन के हूती और इराक का इस्लामिक प्रतिरोध इसराइल पर लगातार हमला कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। आने वाले दिनों में भी इसके वार पलटवार के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि युद्ध और गहराता जरूर जा रहा है। इसी कड़ी में फिर से इराक की ओर से आए ड्रोनों ने इसराइल को दहलाने की पुरजोर कोशिश की। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल किया। गाजा और लेबनान के लोगों पर इजरायली कार्रवाई से भड़के प्रॉक्सी गुटों ने रात में इसराइल पर हमला बोला। लड़ाकों ने इससे जुड़ा वीडियो भी शेयर किया, जिसकी शुरुआती अरबी भाषा में लिखी धमकी से होती है। इसके बाद लड़ाके इसराइल की ओर एक एक करके ड्रोन को लॉन्च करते हैं। समूह ने दावा किया कि ड्रोन से उत्तरी इसराइल की महत्वपूर्ण साइटों को निशाना बनाया गया, साथ ही इसराइल में बड़े पैमाने में हुए नुकसान की भी आशंका जताई। प्रतिरोध ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि यह ऑपरेशन इजरायली कब्जे के खिलाफ है, जिसने फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों में नरसंहार मचा रखा है। इराकी प्रतिरोध ने साफ किया कि फिलिस्तीन और लेबनान पर चल रहे युद्ध के बीच लड़ाके इजरायली गढ़ों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने कहा कि उसके लड़ाकों ने गुरुवार को कब्जे वाले इलाकों में इजरायली लक्ष्यों पर 7 लंबी दूरी के हमले किए। वहीं गुरुवार को सुबह से लेकर रात तक ऑपरेशन की घोषणा की। सभी एकतरफा हमले ड्रोन के जरिए किए गए। इनमें से 2 ऑपरेशनों को सीरियाई गोलान में महत्वपूर्ण इजरायली बुनियादी ढांचे पर निशाना बनाकर हमला किया गया। बाकी हमले उत्तर, मध्य और दक्षिण इजरायल कब्जे वाले इलाके में किए गए। उत्तरी इजरायल में 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला किया गया। 2 अन्य हमला दक्षिणी कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाकर किया गया। पिछले 2 ऑपरेशन ड्रोन से किए गए थे, जिन्होंने सेंट्रल इजरायल में सटीक लक्ष्यों को भेदने में कामयाबी हासिल की थी। पिछले कई महीने से इराकी समूह कब्जे वाले फिलिस्तीनी और सीरियाई इलाकों में संवेदनशील और महत्वपूर्ण इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसमें इलैट बंदरगाह, गोलान हाइट्स और जॉर्डन घाटी शामिल हैं। समूह ने दोहराया कि जब तक इजरायल गाजा पर नरसंहार की युद्ध और लेबनान के खिलाफ हमले जारी रखेगा, तब तक वो इसराइल के लक्ष्यों के खिलाफ अपने अभियान को और अधिक तेजी के साथ जारी रखेगा। बहरहाल मिडिल ईस्ट में तनाव जस का तस बना हुआ है। वार पलटवार के लंबे दौर से गाजा और अब लेबनान की हजारों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों ने इसराइल को युद्ध में ऐसा उलझा दिया है कि उसे कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ना पड़ रहा है। इसमें अब ईरान भी सीधे तौर पर उतर आया है, जिससे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो वहीं इसराइल की जीत पर संशय भी बढ़ता जाने लगा है, साथ ही युद्ध के विकराल रूप लेने की आशंका काफी हद तक बढ़ चुकी है।